जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीरो लोन एप्लीकेशन के बारे में कि नीरो लोन एप्लीकेशन रियल है या फेक है, क्योंकि इसके भाई 1 लाख ही डाउनलोड है और 8,000 ही रिव्यूज हैं। ठीक है, 4.4 की रेटिंग तो है लेकिन डाउनलोड कम है, तो कई लोगों को डाउट है क्या ये NBFC से अप्रूव्ड है या नहीं, कहीं ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है, RBI से रजिस्टर्ड है या नहीं। तो सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। इसका इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है, क्या प्रोसेसिंग फीस है, क्या आपको इनकम प्रूफ लगेगा, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो नीरो लोन एप्लीकेशन है भाई, देखो अभी नई नई एप्लीकेशन आई है, इसको ज्यादा महीने भी नहीं हुए इसलिए इसके 1 लाख ही डाउनलोड है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया क्या है इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए। तो देखो भाई, अगर आपकी एज 21 साल से लेके 55 साल के बीच में है तो यहां पे आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, और लोन कितना मिलता है, लोन यहां पे ना प्री अप्रूव लोन मिलता है आपको, 1 लाख का लोन मिल सकता है, 2 लाख का लोन मिल सकता है, जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो ऐसे आपको प्री अप्रूव लोन देखने को मिल जाता है। और डॉक्यूमेंटेशन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन देखो भाई, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और साथ में जो भाई आपकी बेसिक डिटेल होती है, आप क्या काम करते हो, कहां पे रहते हो, आपका एड्रेस क्या है, ये सब जो चीजें होती है, आपकी ऑक्यूपेशन डिटेल, बस यही मांगते हैं। तो आप कहोगे भाई तो बहुत इजी है, 2 लाख का लोन मिल जाएगा, लेकिन अब हम बात करेंगे प्रो तो हो गए, अब कौन सी बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट कितना है, प्रोसेसिंग फीस कितनी है, टेन्योर कितना मिल जाएगा, सारी चीज मैं आपको बताता हूं। तो देखो भाई, इसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो पर एनम में 12% से लेके 32% तक होगा। अब 32% तक कैसे होगा, देखो भाई अगर आपकी सिबिल स्कोर 650 है तो आपके चांस हो सकते हैं रिजेक्शन के, लेकिन अगर 700 है, लेकिन आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो पुरानी आपने लोन लिए थे टाइम से रीपे नहीं किए होंगे ना, तो 12% सर आपको इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा, ज्यादा लगेगा, 30% भी लग सकता है, 25% भी लग सकता है, वो आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। ठीक है, बात करेगा टेन्योर आपको कितना मिलता है, तो टेन्योर आपको 6 मंथ से लेकर 36 महीने तक मिल जाता है, मतलब भाई 3 साल तक आपको टेन्योर देखने को मिल जाता है। और जो प्रोसेसिंग फीस है भाई, प्रोसेसिंग फीस भी आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, तो 1.5% से लेकर 9% तक आपको भाई यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। 9% मान लो आपका 1 लाख का लोन अप्रूव हुआ है तो 9,000 तो पहले ही कट कर लेंगे कंपनी वाले। दोस्तों साथ में मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हम मिनिमम 750 रुपए लेते हैं GST के साथ, और मैक्सिमम हम लेते हैं 9,000 के करीबन, 8,900 के करीबन। ठीक है, प्लस इंक्लूडेड विद GST के साथ। ठीक है, तो इन्होंने लिख रखा है, लेकिन देखो भाई ये तो अब जब लोन के लिए अप्लाई करोगे, मान लो आपका 2 लाख का लोन अप्रूव हुआ है, उसके बाद जब आप डिसबर्समेंट के लिए जाओगे तो वहां पे लिखा आएगा आपको कितना प्रोसेसिंग फीस हो रहा है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है। तो भाई देखो मेरी मानो तो आपको इंटरेस्ट रेट देखो 12% इन्होंने बोला ना, 16-18% तक भी लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर 20% से ऊपर चला गया है, 20-25% तो आपको यहां से लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 25% इंटरेस्ट है 1 साल का, तो भाई बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, वैसे पर्सनल लोन एप्लीकेशन में ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है मैं मानता हूं, लेकिन 25-26% इंटरेस्ट रेट, 30% बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड अब दोस्तों बात करते हैं कंक्लूजन की, क्योंकि ये तो हमने एप्लीकेशन है जो बता रखा है ना उसके बारे में बात करी है, लेकिन जो पब्लिक के रिव्यूज है, ऑनेस्ट रिव्यू है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप काफी सारे यहां पे रिव्यू देख सकते हो, लोगों ने लिखा हुआ है भाई देखो मेरा ना लोन अप्रूव भी हो गया था, मेरे को बता दिया था मेरे को 2 लाख का लोन मिल जाएगा भाई, 1.5 लाख का लोन मिल जाएगा, लेकिन जब लोन डिसबर्स होने वाला था उसके बाद इन्होंने मेरी जो एप्लीकेशन होती है वो रिजेक्ट कर दी। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो काफी सारे लोगों के यही डाउट है, और कई लोगों ने ये चीजें फेस भी करी है कि उनका लोन तो अप्रूव हो जाता है भाई, प्री अप्रूव्ड हो गया भाई 2 लाख का, 1.5 लाख का, 1 लाख का, लेकिन डिसबर्स नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि ये डिसबर्स नहीं करते, करते हैं कुछ कुछ लोगों का, जिनकी सिविल स्कोर हाई होती है, रीपेमेंट हिस्ट्री अच्छी होती है, उनका ही यहाँ पे लोन अप्रूव होता है, बाकी ज्यादा लोगों का जो भाई जिनकी सिविल स्कोर 650 है, 700 है, उनका लोन भाई डिसबर्स तो नहीं होता, बस दिखाता है आपका प्री अप्रूव लोन इतना है जी, लेकिन डिसबर्स नहीं होता, मतलब बैंक में नहीं आता। ठीक है दोस्तों, तो यही इस एप्लीकेशन का एक कंक्लूजन है कि मतलब इसके जो कौन से यही है, बाकी अगर आपकी सिविल स्कोर अच्छी है, मान लो 750 आपकी सिविल स्कोर है, देन आपको यहाँ पे लोन इजीली मिल जाएगा। ठीक है, और एक मैं चीज आपको बता दूं कि अगर आप इसका लोन रीपे नहीं कर पाए ना, एक भी EMI आपने बाउंस कर दी, तो उसके 500 से 600 रुपए के करीबन आपको बाउंस चार्जेस लगेंगे, जैसे कि नीरो एप्लीकेशन ने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। तो दोस्तों ये चीज का ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे आपकी EMI बाउंस हो गई तो भाई बाउंस चार्जेस भी काफी ज्यादा लगने वाले हैं। तो मेरे ओपिनियन से अगर आपकी भाई सिविल स्कोर अच्छी है तो यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हो, लेकिन रीपे भाई टाइम से करना, नहीं तो सिविल स्कोर में भी इंपैक्ट आ जाएगा और बाउंस चार्जेस भी लगेंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं तो अगर आपका लोन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता तो आप ब्रांच लोन एप्लीकेशन पे अप्लाई कर सकते हो, वहां पे आपको 500 रुपए से लेके भाई 50,000-1 लाख तक लोन मिल जाएगा, उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप ये वीडियो देख लेना। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।